हेलो दोस्तों, आज जो हम कहानी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है बैड सिस्टर। तो कहानी की शुरुआत जैसन को दिखाते हुए होती है जो कि एक टैलेंटेड म्यूजिशियन होता है, साथ ही वह अपने म्यूजिक वीडियो को सोशल मीडिया पर भी अपलोड करता है। जैसन एक कैथोलिक स्कूल में पढ़ता है जहाँ पर सारे टीचर्स नन और फादर होते हैं। अब कैसे एक नन जैसन के प्यार के लिए कितने हदों को पार करती है। अब जैसन और जैसन की सिस्टर जोई के पेरेंट्स कैथोलिक स्कूल छोड़ने आते हैं जहाँ पर वहाँ के प्रिंसिपल सिस्टर रेबेका उनका वेलकम करती है। और वहीं हम देखते हैं कि दूसरी सिस्टर सोफिया प्रिंसिपल के ऑफिस से जैसन की फैमिली को देख रही होती है। अब सिस्टर रेबेका अपने ऑफिस में आती और सिस्टर सोफी से मिलकर उसे बताती है कि सोफिया को स्कूल के सारे रूल्स को बड़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। इसीलिए सिस्टर रेबेका सोफिया को अपना मेकअप उतारने के लिए बोलती है। मेकअप उतारने के बाद सिस्टर रेबेका सोफिया को उसका रूम दिखाने ले जाती है। रास्ते में उसे जैसन मिलता है। यहाँ हमें पता चलता है कि सोफिया जैसन की नई क्लास टीचर होगी। अब सोफिया को रूम दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने बालों को खोलती है, जिसे देखकर वह बिल्कुल भी नन नहीं लगती। अब सोफिया अपना लैपटॉप ओपन करती है और जैसन की म्यूजिक वीडियो देखने लगती है। वीडियो देखते हुए वह स्क्रीन को किस करने लगती है। इससे यह क्लियर हो जाता है कि सोफिया जैसन को पहले से ही जानती है। उसी दिन हॉल में जैसन गाना गा रहा होता है जहाँ पर सोफिया भी पहुँच जाती है। उसका गाना सुनकर वह उसकी तारीफ करती है और बोलती है कि अगर उसे किसी चीज की हेल्प चाहिए तो वह सोफिया से मिले। दूसरे दिन क्लास में सेरा नाम की लड़की जैसन से फ्लर्टिंग कर रही होती है। तभी क्लास में सिस्टर सोफिया आ जाती है और वह सेरा को जैसन के साथ फ्लर्टिंग करते हुए देख लेती है, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अब क्लास शुरू होती है और उसके पहले प्रेयर होता है। सोफिया को प्रेयर नहीं आता, इसीलिए वह जोई को प्रेयर करने के लिए उठाती है। जोई यह चीज नोटिस कर लेती है कि सोफिया को प्रेयर नहीं आता। क्लास खत्म होने के बाद जोई यह बात जैसन को भी बताती है, पर जैसन को यह बात नॉर्मल लगती है। जैसन घर जा रहा होता है, तभी सेरा जाकर उसे किस करने लगती है। या दूर से सिस्टर सोफिया देख लेती है, गुस्से में इन दोनों के पास और जैसन को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। इसके बाद वह सेरा को वार्निंग देती है कि वह जैसन से दूर रहे। अब सिस्टर सोफिया जैसन को स्कूल खत्म होने के बाद अपने रूम में बुलाती है, जबकि कैथोलिक स्कूल में किसी भी गर्ल्स के रूम में बॉयज को जाना मना होता है, स्पेशली नन के रूम में। पर जैसन सिस्टर सोफिया की बात मानकर स्कूल के बाद सोफिया के रूम में जाता है जहाँ पर डोर आधा खुला होता है। फिर जब जैसन दरवाजे से झांकता है तो वह शॉक हो जाता है यह देख करके कि सिस्टर सोफिया बिना कपड़ों के है, बस उसने लाल कलर की एक अंडरवियर पहनी होती है। जैसन इस तरह सिस्टर सोफिया को देखकर वहाँ से भाग जाता है। फिर हमें पता चलता है कि यह सिस्टर सोफिया का ही प्लान होता है। अब जब रात को जैसन सो रहा होता है तो उसे सिस्टर सोफिया के गंदे गंदे ख्याल आने लगते हैं। जैसन खुद को सिस्टर सोफिया के बारे में देखने से रोक नहीं पाता। अगले दिन सिस्टर सोफिया जैसन से पूछती है कि वह उसके रूम में क्यों नहीं आया, जिस पर वो बोलता है कि वह किसी काम में फंस गया था, इसीलिए वह नहीं आ पाया। सिस्टर सोफिया उसे जाने देती है क्योंकि उसे पता था कि जैसन आया था। अब एक हफ्ते बीत जाते हैं और वीकेंड आ जाता है, जब जैसन की फैमिली उसे लेने के लिए स्कूल आती है, जहाँ पर सेरा फिर से जैसन के पास आकर उससे बातें करने लगती है। इस तरह सेरा को जैसन से बातें करते हुए देखकर सोफिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अब एक रात सिस्टर सोफिया गर्ल्स हॉस्टल में आती है और वह सेरा के रूम में जाकर उसकी बुक में ड्रग्स छुपा देती है। सिस्टर सोफिया अपने और जैसन के बीच से सेरा को हमेशा के लिए हटाना चाहती है, इसीलिए वह उसे स्कूल से निकलवाने के लिए यह प्लान करती है। पर जब वो बाहर निकल रही होती है तब उसे सिस्टर रेबेका देख लेती है, पर वह उन्हें बोलती है कि वह गर्ल हॉस्टल की सिक्योरिटी चेक कर रही थी। सिस्टर रेबेका बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। अब अगली सुबह क्लास में सिस्टर सोफिया सबको बुक ओपन करने के लिए बोलती है। फिर जैसे ही सेरा अपना बुक ओपन करती है उसमें वह ड्रग्स देखती है। सिस्टर सोफिया उसे पकड़ लेती है और प्रिंसिपल के पास ले जाती है, जहाँ पर सेरा पूरे टाइम रोती रहती है और बोलती है कि वह ड्रग्स उसका नहीं है। पर स्कूल के स्ट्रिक्ट रूल होने की वजह से उसे पनिश किया जाता है। उसे एक महीने के लिए स्कूल से निकाल दिया जाता है। फिर सिस्टर सोफिया प्रिंसिपल रेबेका को बोलती है कि शायद स्कूल में और भी ड्रग्स हो सकता है। अब पूरे स्कूल की तलाशी लेना शुरू हो जाती है, जहाँ पर जैसन के रूम में एक विस्की की बोतल निकलती है। दरअसल यह विस्की की बोतल सिस्टर सोफिया ने ही रखी होती है। अब सिस्टर सोफिया की रिक्वेस्ट करने के बाद प्रिंसिपल रेबेका जैसन की सजा कम करके उसे असाइन करती है वीकेंड पे घर न जाकर स्कूल की सफाई करने के लिए। सिस्टर सोफिया ने जानबूझकर जैसन को यह सजा दिलवाई थी। अब हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जिसमें सिस्टर सोफिया जैसन का गाना सुन रही होती है, जिसके बाद वह ऑनलाइन सब कुछ जैसन के बारे में पता करती है, जिसमें उसे वहाँ से जैसन के स्कूल के बारे में पता चलता है। साथ ही पता चलता है कि कोई सोफिया नाम की नन उस स्कूल में टीचिंग के लिए ज्वाइन करने वाली है, इसीलिए वह सिस्टर सोफिया से मिलती है और उसे मार कर उसकी जगह स्कूल ज्वाइन कर लेती है। सोफिया उसका रियल नेम नहीं होता। इधर जैसन जोई को अपने पनिशमेंट के बारे में बताता है। जोई को यह अजीब लगता है, इसीलिए वह उसके साथ हॉस्टल में रुकने का फैसला करती है। अब वीकेंड आता है, जैसन स्कूल क्लीन करने लगता है। सिस्टर सोफिया
रुकिया भी उसके साथ आकर स्कूल क्लीन करने में उसकी मदद करने लगती है। इसी दौरान वह उसे सीड्यूस करने की भी कोशिश करती है। यह सब जोई पीछे से देख रही होती है। अब रात होते ही सिस्टर सोफिया जैसन के रूम में आती है और वहाँ पर अपने फोन में रिकॉर्डिंग लगा देती है। जैसन किसी के आने की आवाज सुनता है और वह उठ जाता है। तब वह शॉक हो जाता है कि सिस्टर सोफिया उसके बेड पर है और वह उसके साथ कुछ गलत करने के लिए बोलती है। पहले तो जैसन मना करने की कोशिश करता है, पर वह सिस्टर सोफिया को देखकर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और यह दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। पर अगले दिन जैसन पिछली रात जो कुछ हुआ था उसके लिए गिल्टी फील करता है। अब जाते हुए उसे रास्ते में सिस्टर सोफिया मिलती है, जो कि उसे लास्ट नाइट की बात को सीक्रेट रखने के लिए बोलती है। फिर जब जैसन का रूम खाली होता है तो सोफिया उसके रूम में जाती है और उसके यूज्ड कपड़ों को सूंघने लगती है। तब तक वहां पर जोई आ जाती है और उसे यह करते हुए देख लेती है। सोफिया उसे डांट कर वहां से भगा देती है। बाहर जाकर जोई जैसन को इस बारे में बता रही होती है। सोफिया यह सब ऊपर से देख लेती है। अब उसे लगता है कि जोई भी उसके लिए प्रॉब्लम बन रही है, इसीलिए वह जोई को एग्जाम में बहुत ही कम ग्रेड देती है। इधर जैसन अभी भी गिल्टी फील कर रहा होता है जो कुछ भी उसने सिस्टर सोफिया के साथ किया होता है, इसीलिए अब वह चर्च में फादर के पास कन्फेस करने के लिए जाता है। फिर जब जैसन का कन्फेशन खत्म होता है तब अचानक से वहां सोफिया आ जाती है और उसके लैप पर बैठकर उसे किस करने लगती है। दरअसल यहां पर कोई फादर नहीं होता, यहां पर पहले से ही सोफिया बैठी होती है जो कि जैसन का कन्फेशन सुन रही थी। अब कुछ दिनों बाद वीकेंड पे सैरा ने अपने घर में पार्टी रखी होती है जहां पर जैसन भी जाता है। पार्टी के दौरान सैरा आकर जैसन को किस करने लगती है, पर उसके दिलो दिमाग में सिस्टर सोफिया ही होती है, इसीलिए वे सैरा को रोक कर पार्टी से जाने लगता है। पर पार्टी से जाते वक्त वह लिकर बोतल ले लेता है। अब रास्ते में पुलिस वाले उसे रोक लेते हैं। तब तक सिस्टर सोफिया आकर जैसन को वहां से बचा लेती है और उसे होटल ले जाती है, जहां पर सिस्टर सोफिया फिर से उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रही होती है। पर जैसन उसे मना कर देता है क्योंकि पहले जो कुछ हुआ वह उसके लिए गिल्टी फील कर रहा था। सिस्टर सोफिया उसे बताती है कि वह उसके साथ हमेशा रहना चाहती है और वह काफी अमीर भी है, वह उसका पूरा ध्यान रखेगी, बस उसे उसके साथ रहना होगा। पर जैसन नहीं मानता और वह होटल छोड़कर चले जाता है। जैसन अब रोड के किनारे बैठा होता है और जोई से हेल्प के लिए कहता है। जोई की जगह जैसन के फादर आते हैं और वह उसके म्यूजिक करियर के लिए उसे सपोर्ट करते हैं। अगले दिन जैसन स्कूल आता है तब वह देखता है कि सिस्टर सोफिया बेड पर बेहोश पड़ी हुई है और बेड पर काफी सारी गोलियां पड़ी होती है। जैसन पैनिक हो जाता है, उसे लगता है कि सोफिया ने ड्रग्स का ओवरडोज लेकर सुसाइड करने की कोशिश की है। फिर वह CPR देने लगता है। इसी दौरान सोफिया उसे किस करने लगती है और पता चलता है कि यह एक मजाक था। दरअसल यहाँ पर सोफिया को जैसन की सिंपति चाहिए थी, इसीलिए वह यह सब कर रही थी। अब वह इन सारी चीजों से थक जाता है और वह सोफिया के प्रिंसिपल से शिकायत करने की सोचता है, पर वह रुक जाता है। उसे लगता है उसकी बात पर कौन भरोसा करेगा, लेकिन अगर किसी ने मान भी लिया तो उसमें जैसन का ज्यादा नाम खराब होगा, क्योंकि वह स्कूल के नन के साथ सो रहा था। अब वह उसे छोड़कर वहां से चले जाता है। अगले दिन जब सिस्टर सोफिया क्लास में पढ़ा रही होती है तब वहां पर सिस्टर रेबेका आकर क्लास रोक देती है और सैरा को क्लास में भेजती है। असल में सैरा का पनिशमेंट खत्म हो चुका था। सैरा के आने के बाद जैसन का रिलेशनशिप उसके साथ सही चलने लगता है। वह दोनों हर जगह एक साथ रहने लगते हैं। यह देखकर सिस्टर सोफिया अंदर ही अंदर जल रही होती है। अब सोफिया प्लान बनाती है सैरा से छुटकारा पाने के लिए। फिर शाम को सोफिया गर्ल्स हॉस्टल जाती है जहाँ पर सैरा बाथरूम में नहा रही होती है। सोफिया वहाँ पहुंचकर सैरा को तब तक मारती है जब तक वह बुरी तरीके से घायल नहीं हो जाती। अब जाते वक्त सोफिया साबुन को इस तरह गिरा देती है कि वह एक एक्सीडेंट लगे। कुछ टाइम बाद जब जोई सैरा के रूम में जाती है तब वह देखती है कि सैरा बाथरूम में बेहोश पड़ी है। वह तुरंत पुलिस और प्रिंसिपल को कॉल करती है। पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन के बाद इस कंक्लूजन पे आते हैं कि सैरा का एक्सीडेंट सोप के फिसलने से हुआ है। बॉडी को अस्पताल भेजने के बाद चर्च में सैरा की आत्मा की शांति के लिए प्रेयर होता है। इसी दौरान जैसन सिस्टर सोफिया के पास आकर उसे सैरा के मर्डर के लिए अक्यूज करता है और सारी चीज प्रिंसिपल के पास जाकर बताने के लिए बोलता है। तभी सिस्टर सोफिया उसे वीडियो क्लिप दिखाती है और शांत रहने के लिए बोलती है। कुछ दिनों बाद वीकेंड आ जाता है। जैसन और उसकी बहन जोई को लेने के लिए उसके पेरेंट्स आते हैं। सोफिया यह सब दूर से देख रही होती है। वह सिस्टर रेबेका को बोलती है कि उसकी आंट जो काफी दिनों से बीमार थी उनकी मृत्यु हो गई है, तो वह सिस्टर रेबेका से परमिशन मांगती है अपनी आंट के फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए। इधर इवनिंग के वक्त जैसन और उसकी फैमिली एक होटल में डिनर के लिए गए होते हैं। इस होटल में सिस्टर सोफिया भी आ जाती है, जिसे देखकर जैसन चौंक जाता है, पर उसके पेरेंट्स सोफिया को ग्रीट करके फैमिली डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। इधर सिस्टर रेबेका सोफिया की मरी हुई आंट को फ्लावर भेजना चाहती थी, इसीलिए वह हॉस्पिटल कॉल करती है, पर वहां पता चलता है कि इस नाम का कोई भी नहीं है। अब सिस्टर रेबेका को पता चल जाता है कि सोफिया झूठ बोल रही थी। डिनर के बाद जैसन जोई को सब कुछ बता देता है कि वह सिस्टर सोफिया के साथ
सोया था। अब वो उसे वीडियो क्लिप दिखाकर ब्लैकमेल कर रही है। जोई भी बताती है कि उसे डाउट है कि वह सिस्टर सोफिया नहीं है, दरअसल वह कोई और है। अब सच का पता लगाने के लिए ये दोनों हॉस्टल आ जाते हैं और सिस्टर सोफिया के रूम का ताला तोड़कर अंदर जाते हैं, जहां पर इन्हें एक लैपटॉप दिखता है जिसे ओपन करके इन्हें पता चलता है कि सिस्टर सोफिया का रियल नेम लॉरा पीटरसन है। इधर सिस्टर रिबेका सोफिया को अपने रूम में बुलाती है और उससे सवाल पूछने लगती है। अब सोफिया किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाती क्योंकि सिस्टर रिबेका को सब कुछ पता चल गया होता है। इसीलिए वहां पर पड़े हुए लैंप से सिस्टर सोफिया सिस्टर रिबेका को मार कर बेहोश कर देती है। जोई और जैसन लैपटॉप को लेकर सिस्टर रिबेका को ढूंढते ढूंढते चर्च आ जाते हैं, जहां पर उन्हें सोफिया मिलती है। अब जैसन और जोई उसे बताते हैं कि उन्हें उसके बारे में सब कुछ पता चल गया है। अब वे ये सब सिस्टर रिबेका को बता देंगे। इतना सुनते ही सिस्टर सोफिया जोई के सर पर एक जोरदार अटैक कर देती है और फिर जैसन को भी मारना शुरू कर देती है। इसी बीच अचानक से सिस्टर रिबेका वहां आ जाती है और उसका रॉड गिरा देती है। इसका फायदा उठाकर जैसन अपने पॉकेट से स्क्रूड्राइवर निकालकर सिस्टर सोफिया को भोग देता है। अब 7 महीने बाद जैसन और जोई दोनों ग्रेजुएट हो जाते हैं और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। यह मूवी